हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं माइनक्राफ्ट। और आपको ये तो याद ही होगा, मैंने थोड़े बहुत एनचैंट कर लिए पैर। अभी इस डायमंड आर्मर का इधर पड़ा है जिसे मैं अभी एनचैंट करूँगा। एक्चुअली मेरा एक्सपी फार्म थोड़ा बहुत काम नहीं कर रहा, तो मेरा एक्सपी थोड़ा कम है। और वैसे भी मैं उधर बहुत दिन हो गए कहाँ जाए हुए। और ये रहे मेरे दो कैट्स मेरे रूम में। और अगर इस लास्ट वाले एपिसोड में जब मैंने डायमंड ढूंढा था, उसके बाद मैं एक और बार उधर गया था, तो मेरे को बहुत सारे डायमंड मिले। तो मैंने दो डायमंड सूट बना लिए। एक तो मैंने अभी ऐसे पहन लिया है, और बाकी ये देखो दो डायमंड ब्लॉक्स और तीन डायमंड्स, ठीक है। और बाकी गाइस मैंने थोड़े वेपन्स बना लिए हैं, डायमंड का शॉवल। और ये मेरे को होए का पता नहीं था, मतलब होए मुझे बनाना चाहिए या नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस, आज का मेरा प्लान है एक अपना, वो जो आप एरिया देख रहे होगे कि पूरा क्लियर है, तो उस एरिया को मेरे को एकदम सजाना है। अब देखो गाइस, आप लोगों ने मेरे को अभी तक कोई कमेंट नहीं किया कि उधर मुझे क्या करना चाहिए। तो गाइस, अब मेरे पास एक घासू सा आइडिया आया है जो कि मुझे माइंडर ने बताया है। अब बाकी गाइस, लास्ट वाले एपिसोड में मैंने ये एक उस एक बहुत बड़ा शुगर केन फार्म भी बनाया था। और गाइस, मैंने इनकी ब्रीडिंग भी की थी, और बहुत सही चल रहा है अपना विलेज टावर भी। बेड की कमी हो जा रही है, इतने विलेजर्स हैं। अब गाइस, मैंने अपनी सारी तैयारी तो कर ही ली है। तो गाइस, ये देखो मेरी तैयारी क्या है। मैंने अब मेरा प्लान ये है ना कि मैं बीच में, जो आप मेरा ये वाला एरिया देख पा रहे हो जहाँ पर ये चीज़ है, इधर मैंने सोचा था कि बीकन लगूंगा। तो मैं मेरे को ये भी देखना है कि बीकन के जो रेस है वो वाटर को पास थ्रू करता है, क्योंकि मैं इधर बनाने वाला हूँ एक वाटर फाउंटेन, और उसके चारों ओर मैं एक फ्लावर गार्डन बनाने वाला हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पर सामान रख दिया, और रात को स्टे करने के लिए बेड भी रख दिया है। ये देखो गाइस, मेरे ये कुछ सामान है, और दो बकेट एक्स्ट्रा, पता नहीं क्यों, वैसे तो मेरे को एक ही बकेट स्टार्ट होने वाला है। बाकी गाइस, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप अगर मेरे इस जगह पे होते तो आप कैसा बनाते। अब फिलहाल के लिए तो मैं अपने आइडिया से बनाने जा रहा हूँ कि सबसे पहले मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊँगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये रेड वाला, और उसके बाद ये डर्ट मेरे लिए थोड़े ऐसे स्ट्रक्चर काम आएंगे। अगर मेरे पास स्कैफोल्डिंग जो होते हैं, जो कि बम्बू से बनते हैं, वो होते तो सही रहता, लेकिन अभी वो है नहीं। तो सॉरी, अभी मुझे करना क्या है कि ये जो दो है इसके ऊपर, नहीं, मुझे इसके इस साइड से चारों ओर से करना है, कुछ इस तरफ। अब फिलहाल के लिए मैं इस डर्ट पॉइंट को नहीं हटाऊंगा, क्योंकि मुझे इसमें हटा ये क्या बोलते हैं इसका पॉइंट भी देखना है, क्योंकि इसके नीचे सीधा बीकन आने वाला है। फिलहाल के लिए तो मैं इसको हटाऊंगा नहीं। बाकी हाँ, ये एकदम ऐसा हो गया है। अब मुझे क्या करना है कि इसके बाद, हाँ एक और चीज़ करना था मुझे, वो जो वाइट वाला ब्लॉक है, वाइट वाला ब्लॉक से मुझे देखते हैं पहले वाइट, ये सबसे पहले ले लेते हैं, ठीक है, अपने हाथ में ले लेते हैं ये वगैरह इस वाले। इससे क्या होगा कि मैं जहाँ पर भी रखना चाहता हूँ वो रख लूँगा। मुझे करना क्या है कि सबसे पहले मैं इससे बनाऊँगा बाउंड्रीज, एक दो तीन, ओके। तो मुझे इधर रखना है, एक दो और ये तीन, ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर ये, इसके बाद ये, और उसके बाद ये, और उसके बाद एक दो, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, और उसके बाद आई गेस हाँ, एक दो और ये तीन, ओके अभी तक तो सही है। इसके बाद मुझे कुछ इस तरह इसी तरफ और तीन ब्लॉक की डिफरेंसेस बनाते रहना है, एक दो, तेरी इधर एक डिफरेंस आ गई है शायद से, यस यस, इधर मेरे को तीन बनाना था। अपनी पिकैक्स हाथ में ले लो, या अंडा पता नहीं मैंने क्यों रख दिया। एक ओ तेरी की, मैं भूल ही गया था गाइस, इसको एक्चुअली हमें सिल्क टच वाले पिकैक्स से तोड़ना था। ये बहुत ही, मतलब रेयर तो नहीं है, लेकिन गाइस फिर भी ये बहुत लुक अच्छी दे देते हैं। भाई मैं क्या करूँ यार, बहुत सोच समझ के इनको यूज़ करना होगा, एक दो और उसके बाद इधर तीन, तो मुझे इधर लगा, ओ तेरी फिर से गलत हो गया आई गेस। अबे हाँ यार, फिर से गलत हो गया, इसको मुझे इस बार गलती नहीं होगी, एक दो और यहाँ पर आएगा तीन, अरे लग जा। हाँ वैसे मेरे पास ब्लॉक्स तो बहुत सारे हैं, तो आई होप कमी नहीं पड़नी चाहिए। इसके बाद इधर ये, आई होप नहीं यार, ये सही नहीं आ रहा, ये इधर ये रखना है, इधर ये रखना है, और इसको तोड़ना है ये तेरी। मुझे पता है मैं बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है,
तो इधर यार एक, ओहो इधर से मशरूम भी मिलते हैं, क्योंकि गैस ये तो मशरूम के ही प्लांट्स होते हैं। बाप अगर पूछते हो कि मैंने ये, मेरे को ये कहाँ से मिला, तो गैस उसका उत्तर है कि जब मैं डायमंड लेके जब एक माइनिंग से मैं बाहर निकला था तब मुझे ये मिला था। ओके, तो मुझे अभी इधर से ये कनेक्ट करना है। 1 2 3, नहीं यार ये सही नहीं हुआ, यहाँ पर 3 ब्लॉक लगेंगे ना। आई होप सो। सेकंड, नहीं 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 यार मैं सही था यार। 1 सेकंड, थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ अब आई होप ठीक ही है। हाँ तो गाइस अब भी हमारे पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं है। और अभी बारिश का मौसम हो रहा है। उत्तरी, मेरे को बार बार वेस्ट नहीं करना यार। अभी अपना हाथ बिल्कुल इसमें से हटा ही दो, क्योंकि ये बहुत रेयर आइटम है। अभी रात भी हो रहा है गैस, तो मुझे सो जाना चाहिए। ओके, तो हम नेक्स्ट सुबह हो गई है, और उसके बाद अपना, हाँ ये लाइट्स भी रख दो क्योंकि इसका भी बहुत काम होने वाला है। ओके, तो अब हमारा इसका काम तो हो गया है। अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर अब हमारा डर्ट का काम आता है। मतलब तो हमें डर्ट से करना क्या है कि इधर से 1 2, उसके बाद हमें वाइट वाला यूज़ करना है। अब वाइट वाला मुझे बहुत ध्यान से यूज़ करना है, वैसे इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। रुको मैं नीचे उतर जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये ठीक है। अब मैं इसका कुछ इस तरफ कर रहा हूँ कि एक बहुत बढ़िया डिज़ाइन हो जाएगा। बाकी आप लोगों को अच्छा लगता है तो गाइस कमेंट मतलब लाइक बटन ज़रूर दबा देना। अब इसके बाद मुझे मतलब एक ऑल्टरनेट के हिसाब से करना है। मेरे पास शॉवल भी बहुत ख़राब हालत में है, ठीक है। बहुत सोच समझ के ये आइडिया मेरे दिमाग में आया है। बाकी ये स्ट्रक्चर्स वगैरह जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सब मैं हटा दूंगा बाद में, ठीक है। फ़िलहाल के लिए तो इसे यूज़ करना ही पड़ेगा। मुझे क्या करना है कि मेरा, हाँ रेड वाला वापस से यूज़ करना है। इसके बाद ये रेड वाला, यस नाइस। अब मुझे यहाँ, उसके बाद मुझे पता है कि ये मैं पहले भी उस वाइट के साथ कर सकता था, लेकिन मैं ना रिस्क नहीं लेना चाहता था, वाइट मेरे पास बहुत कम था, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो मटेरियल कौन सा, एक्चुअली मेरा वो ख़त्म हो गया गैस, तो सॉरी गाइस। ये तो है अपना रेड मशरूम ब्लॉक, ठीक है। अब देखो गाइस ये कुछ इस तरफ का आपका दिखेगा है। अब हमारा और भी आगे काम करते हैं। अब हमें इसका मेनली करना है, 1 सेकंड, सबसे पहले मुझे अपना शॉवल, हाँ शॉवल हाथ में है, मुझे इसको हटा देना है, ठीक है, ताकि ये अपना बुरा ना दिखाए। मतलब हाँ मुझे इसका दोबारा से काम होने वाला है। अब मुझे इस डर्ट को भी तोड़ना है, लेकिन मैं बाद में तोड़ दूंगा क्योंकि मुझे अभी 1 सेकंड, वो डर्ट छोड़ो, क्या जा रहा है, अपने पास डर्ट की कमी थोड़ी है, पूरा चेस्ट भर के एक डर्ट का पैक है। अब मुझे इसके नीचे की और मेरे को स्टोन ब्रिक्स यूज़ करना है, ठीक है। स्टोन ब्रिक्स का गया, हाँ ये रहा, इसको रख दो। फिर अगेन मेरा वाइट वाला ख़त्म हो गया है। खैर वो तो मेरे को पता है कहाँ मिलने वाला है, तो मुझे उसकी टेंशन की बात नहीं है। मुझे बहुत संभाल के रहना है क्योंकि इसके नीचे मेरा अंडरग्राउंड बेस है, ये देख रहे हो। तो गाइस इसीलिए मुझे बहुत संभाल के इसको बनाना है। अब मुझे इसमें ये, मैंने इसको लॉक कर रखा है, मतलब झुक के रखा है, ठीक है। ये देखो। ओके, तो अभी मुझे ये सब तोड़ना होगा। मेरे को ये ध्यान में रखना है कि मेरा जो ये मशरूम वाला है वो ना टूट जाए। मेरे पास भले ही एक्स्ट्रा, लेकिन भाई वो पता नहीं कब काम आ जाए। ओके गाइस, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ओ तेरी, कोई नहीं वो तो भाई खैर चलता है। मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको जल्दी कलेक्ट भी तो नहीं कर सकते। 1 सेकंड, मुझे नीचे जाना ही पड़ेगा, अभी से तोड़ना पड़ेगा, पता नहीं। एनीवेज हम अपने काम पे ध्यान देते हैं, मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि उसे ना तोड़े। और इस जगह पे भी नहीं यार, इस जगह को रहने दो, इस जगह पे बीकन आएगा तो इस जगह पे रहने दो। ये हमारी एक निशानी बन के रहेगी कि यहाँ पर हमें बीकन रखना है, ठीक है। और यही बीच वाला रास्ता है, तो ये हो गया हमारा काम। ये बहुत बढ़िया लगेगा जब बीकन एक वाटर फाउंटेन के बीच में आएगा, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगेगा। आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको भी मेरी पूरी आइडियाज अच्छे लगते हैं तो कमेंट में जरूर बताना, मतलब लाइक बटन जरूर हिट कर दे। अरे मैंने क्या दबा दिया, 1 सेकंड, लगता है इसकी कमी हो जाएगी। खैर इसकी कमी हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास सारा सामान है, मतलब स्टोन्स है, मैंने बस ऐसे ही टुक्का मार लिया था। अभी ये तो भाई बहुत ही आसान काम है, हार्ड काम तो ये कि फ्लावर गार्डन कैसे बनाना है, क्योंकि गाइस उसमें हमारी फ्लावर की भी बहुत कमी हो सकती है।
तो उसको भी ध्यान में रखना होगा। अभी तक हमने ये पूरा फ्लोर कंप्लीट करना है। ओके तो ओके गाइस, मैंने वो ग्राउंड पूरा कंप्लीट कर दिया है। मैंने थोड़ा बहुत कमी हो गई थी तो मैंने और बना लिया स्टोन्स, मैंने कहा था ना अपने पास है। अब मुझे क्या करना है कि अब उधर पानी रखना है। अभी पानी को बहुत हार्ड है तो अभी मैं पानी का नहीं रखूँगा, अभी मेरे को पूरा वो क्लियर भी करना है। तो हाँ यार, पानी अपने हाथ में मतलब हाँ ले लेते हैं, इस वाले जगह पे ले लेते हैं। और ये जो मशरूम है पता नहीं क्यों मेरे को मिला, ये रख देता हूँ। ये आई होप मेरे ख्याल से तो बहुत सही बन रहा है, बाकी आप लोग कमेंट में बताना अगर चेंजेस चाहिए तो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से चेंज करने की। ये डिज़ाइन थोड़ी देर के लिए ख़राब लगेगी बस। ओ तेरी, अरे भैया अपने शॉवर किधर गई? एक्चुअली ना मैं होए को यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास भर के होए पड़ी हुई है तो इसे तोड़ तोड़ के मेरे को ख़त्म करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम मैं होए यूज़ करूँगा। ओके मुझे अभी ऊपर चढ़ना है। ओके अब मुझे इधर से थोड़ा सा एक पाथवे बनाना, एक्चुअली ना मेरा गलत हो गया पाथवे। ओके रहने, एनीवेज हम पहुँच तो गए। मुझे इस तरह से एक और दो, उसके बाद इधर में मेरे को पानी डालना है। ठीक है, अब मुझे पानी डालना है। पानी पानी रेडी सेट, या फिर कुछ गड़बड़ है क्या? एक सेकंड, मुझे कुछ देखना पड़ेगा। इसे तोड़ देता हूँ मैं इसे हाँ इसे तोड़ ही देते हैं क्योंकि गाइस मुझे ना अभी इसका काम आने वाला है। शॉवल किधर है अपना? ये रहा। ओके अभी मुझे नीचे फिर से जाना पड़ेगा एक्चुअली। मुझे इधर से नहीं ऐसे जाना है। तो तेरी गलती से भी वो टूट ना जाए। ओके नाइस, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी लगी हुई है ना तो पता चला टूट गई तो। और भाई वाइट वाले में खास करके मेरे को बहुत संभाल के करना है, मैं वाइट वाले के साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहता एक्चुअली। ओके तो आई गेस हाँ एक रह रहा है, एक सेकंड, उसको भी अभी कंप्लीट कर लेते हैं। और इस बार ओ तेरी, इसका भाई रहने दो, मेरे को वैसे भी इसका कोई चिंता नहीं है। ये गए, अब देखते हैं एकदम क्लियर है। आई होप यस एकदम क्लियर है, नाइस। अब मुझे क्या करना है कि अब ऊपर वाले हिस्से में जाके, आई गेस वो वाइट वाले में फंसा हुआ है, नहीं देखते हैं एक सेकंड। ओ तेरी, मैंने लॉक तो किया ही नहीं, इस बार नहीं भूलना लॉक करना। हाँ ओके गाइस, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक सेकंड, नहीं इसको नहीं तोड़ना। अब मुझे एक बार इधर से ऐसे ऊपर चढ़ना है और उसके बाद इधर से पानी डालना है। तो गाइस क्या आप रेडी हो पानी डालने के लिए? मतलब मैं रेडी हूँ पानी डालने के लिए। अभी सबसे पहले ना मैं इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि ओके, और इसको भी हटा दो ओके, क्योंकि मुझे को नीचे तो पानी के द्वारा ही रहना है। रेडी सेट ऑन मार्च कट सेट गो। अब मैं सीधा नीचे जाऊँगा। यस नाइस, अब मैं एकदम नीचे आ चुका हूँ। अभी मुझे एक और काम करना है ऊपर जाके। सबसे पहले तो मैं ये डर्ट वगैरह तोड़ दूँ क्योंकि ये बहुत लुक ख़राब करेंगे। ओके नाइस, हमारा ये काम तो हो गया। अब देख सकते हो गाइस कितना मस्त लग रहा है अपना। बस वो डर्ट जो बीच में भी पड़ा हुआ है ना वो भी हटा दूंगा मैं, उसके बाद तो एकदम ओपी लगेगा। एक सेकंड, वो भी हटा ही देते हैं। ठीक है फाइनली ये रहा हमारा वो वाला डर्ट। यप ओके गाइस, तो ये ख़त्म हो गया है। अब जाके बहुत सही लग रहा है अपना वाटर फाउंटेन, एकदम बढ़िया सा ओपी लग रहा है। एकदम बीच में से जा रहा है, फिर इस साइड से चारों और इस साइड से। तो गाइस इसमें एक याद ध्यान रखना कि अगर आप भी बना रहे हो ना तो वो ब्लॉक को बीच में से करना। अगर आप ऐसे टेढ़ा होके यहाँ से डालते हो तो आपका थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, ऐसे शेप में नहीं आएगा। मेरे ख्याल से ये बेहद बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये क्या है, तो मेरे शॉवल की वजह से हुआ है, इसे मैं तोड़ देता हूँ। ओके गाइस, ये एक और एंट्रेंस है जिससे मैं सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस से मैं जा सकता हूँ। ठीक है, अब गाइस ये तो हो गया। अब हमारा आते हैं नेक्स्ट स्टेप जिसमें हम करने वाले हैं अपना फ्लावर गार्डन। अब हमारा ये काम तो हो गया है, हमें फ्लावर गार्डन के लिए फ्लावर्स ले लो भाई। ये मटेरियल ना कसम से बहुत गहरा है और इसके साथ साथ मैं ये लीव्स भी ले आया हूँ, पता नहीं किसकी कब ज़रूरत पड़ जाए। तो भाई सब कल मतलब अभी रात हो रही है तो मैं आपसे लेट के मिलता हूँ।
तो ओके गाइस, मैं सुबह हो गया है और उठ चुका हूँ। तो गाइस अब मुझे क्या करना है ना कि मेरे को एक पेटल फॉर्म में बनाना है ये फ्लावर गार्डन। आप कौन से फॉर्म में बनाओगे वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब ये मान लो वो एक टाइप से वो जो सनफ्लावर आप देख पा रहे हो ना, बहुत सारे सनफ्लावर, इसलिए मैंने सनफ्लावर हटा के बाकी सारे फ्लावर्स ले लिए हैं। तो अभी मेरा कुछ बहुत बढ़िया सा प्लान है, आप बस देखते जाना। मेरे पास बहुत सारे फ्लावर्स है, मतलब सीरियसली मेरे पास कोई प्लान उतना भी नहीं है तगड़ा। मुझे करना क्या है कि मेरे को इस वाले कॉर्नर, मतलब आप इस इधर चार कॉर्नर देख पा रहे होंगे, तो इस चार कॉर्नर में मेरे को इसे और तेरी इसे ऐसे कुछ सजा के रखना है। मतलब ये इधर आएगा, के बाद मेरे को इधर रखना है, नहीं नहीं इधर नहीं, इधर रखना है। सबसे पहले मैं रेड फ्लावर से ही करने वाला हूँ, इसके बाद थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा भी लगना चाहिए ना गाइस। इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं, देखे तो हाँ मेरे ख्याल से सही है आई गेस। अपना विलेजर टावर भी बहुत सही चल रहा है। मुझे ना इसको इधर से भी लाना है, तो मुझे इधर भी लगा देना चाहिए, मतलब एक पेटल टाइप का, आप समझ गए होंगे आई होप। ओके, तो मुझे इसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनने वाला है। हाँ इसे हार्ट शेप में बनाते हैं, सही रहेगा, नाइस। अब एक बार ऊपर से जाके देखते हैं कि कैसा लग रहा है इसका व्यू। ओके गाइस, तो भाई बहुत सही लग रहा है मेरे ख्याल से। तो बाकी आपको कैसे लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे को लगता है कि सारे लोग को, मोस्ट ऑफ ऑल लोग को बहुत अच्छा लगने वाला है ये भी। तो ऐसे ही मेरे को ऐसे ही अब इस बार मैं ब्लू फ्लावर से ऐसे बनाने वाला हूँ, ठीक है। अभी मुझे ये ग्रास भी तोड़ देते हैं, लुक ख़राब कर रही है फालतू में, ठीक है। मैंने हाँ इसका थोड़ा एरिया भी बड़ा किया था, अब जैसे कि देख पा रहे हो। अब मुझे इधर लगाना है और उसी के जैसे ओके नाइस नाइस। इसका थोड़ा सा झोल झाल लग रहा है, एक सेकंड इसको तोड़ो और इधर लगाओ। नहीं यार एक काम करते, इसको तोड़ो भाई, ये तो मान ही नहीं रहा है। एनीवे हमें अपने काम पे ध्यान देना है। तो तेरी कहाँ लगे जा रहे हैं, नाइस। मुझे ना इसमें इक्वली करना है, मतलब। तो ओके गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि गाइस मैंने अपना पेटल एकदम बढ़िया तरीके से बना लिया है, एक हार्ट शेप में, जैसे मैंने रेड वाला बनाया था। उसके बाद वो ब्लू वाला आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, और ये वाइट वाला और ये येलो वाला। अब इसके आगे भी हमें बहुत कुछ करना है, वो अभी हम करने वाले। अभी मेरी शॉवल टूटने वाली है, ठीक है। ओके, अब मैं नीचे आ चुका हूँ। अब मुझे क्या, अरे मैंने लॉक अभी भी कर रखा था, अभी मैंने अनलॉक कर दिया। हाँ तो गाइस, ये जैसा कि आप इधर देख पा रहे हो कि गाइस मेरा ये है वो ब्लू फ्लावर का हार्ट पेटल। अब मुझे क्या करना है ना कि ये आप मेरे पास, मतलब वाइट का हो गया, येलो का हो गया, ब्लू का हो गया, और रेड का तो हो ही गया था। अब मेरे पास बचा है रेड ये वाला फ्लावर और एक पिंक वाला फ्लावर, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ आप बस देखते जाइए। मेरे पास 13 13 है हर एक का। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है, कुछ इस तरफ का करूँगा। और उसके बाद मैं इधर यही सेम प्रोसेस करूँगा, मतलब जैसे इधर किया था, तो इधर ऐसे, इसके बाद इधर ऐसे और इधर ऐसे, ठीक है। आई होप ये बहुत सही लगेगा। उसके बाद अगर बच्चा होगा तो उसका हम कुछ देख लेंगे, ठीक है, एकदम सही चल रहा है। ओके, अब मैंने इस साइड का भी कर दूंगा। ओके, इसी के जैसे, मतलब मैंने अभी इधर पिंक किया है तो मुझे इधर लाल करना होगा, ठीक है। ओके, तो इधर लाल और इधर पिंक और इधर पिंक, ठीक है। ये फ्लावर्स बहुत सही लगते हैं। अब मेरे पास बचे हैं 7 और 7, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं चारों में एक एक फ्लावर और लगा देता हूँ, जैसे कि ये एक और इधर पिंक का एक, अरे ए तेरी ओ तेरी, कुछ और भी ख़त्म हो, ख़राब हो गया क्या, नहीं यार नहीं। ओके, और उसके बाद मुझे इधर यहाँ पर ये और इधर पिंक वाला। ओके गाइस, तो अब मेरे पास 5 और बचे हैं, तो मैं काम करता हूँ 5 और इधर ही लगा देते हैं, यहाँ पर ये, नहीं इधर नहीं, काम करते हैं इधर लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर रेड और हाँ इधर पिंक भी लगा दूंगा मैं। कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देते हैं यहाँ पर, नहीं नहीं इधर नहीं, एक काम करता हूँ इसको इधर लगा देता हूँ,
ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास चार एग्जैक्टली बचे हुए हैं, तो मुझे अब इसको भी कुछ इस तरफ लगाना है, इधर एक इधर एक, मतलब कैसे भी लगा दो सही है बस। ठीक है, मेरे ख्याल से तो सही है। ओ अरे यार एक सेकेंड, ये लो। ठीक है, अब मेरे पास दो बच्चे हैं हर एक के, तो ये इधर और उसके बाद पिंक वाला इधर, बाकी हाँ मैंने इधर लगा देता। ओके गाइस, तो अब मेरे पास एक एक ही है, तो अब इसका तो काम ख़त्म। अब हमारे पास बचता है लीव्स, तो अब लीव्स का भी हम देखते हैं कि क्या जुगाड़ पानी होता है। ओके, हमने वो तो लगा दिया, आई होप वो बहुत अच्छा दिखेगा, तो मेरे ख्याल से नहीं दिखेगा, सॉरी। मुझे इधर ये इस वाले एरिया को इससे कवर करना है, ठीक है, कुछ इस तरफ, इधर ये और ये कुछ इस तरफ कवर करना है। अभी मेरे को ये बीच वाला रास्ता पता चल चुका है, तो मैं इसे तोड़ देता हूँ कि अब इसका कोई काम नहीं है। ये इसका थोड़ा सा छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी हमें उसी के एंगल पे करना है, ठीक है। वैसे मेरे पास है तो फिर मुझे चिंता की कोई बात ही नहीं है। अब मुझे कुछ इस तरफ तीन ब्लॉक इस साइड, यस नाइस, अब मुझे तीन ब्लॉक इस साइड फिर से लगाना है यहाँ पर, एक दो, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फिट हो गया, कोई नहीं, अपने पास लीव की कमी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकता हूँ। अरे एक सेकेंड, इधर थोड़ा सा ये, क्योंकि शेप भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो इसीलिए मेरे को इसका शेप भी बहुत संभाल के रखना पड़ेगा ना। अब मेरे पास 18 और बचे हैं, जो कि मैं इधर लगाऊंगा, और उधर भी लगाना है मुझे, इधर भी। ओके एक सेकेंड, मतलब इस साइड में मेरे को दो ही लगाना था क्या? नहीं, इधर तो ठीक ही है, ठीक है, फिर मेरे को इस साइड से लगाना है फिर ये। हाँ, मुझे पता है कि वो थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन हम कर भी कह सकते हैं, कुछ ऐसा ही शेप इसका है। या फिर एक काम करते हैं ना, कि दोनों जगह पे हम ऐसे, ओ ओके गाइस, तो फिलहाल के लिए तो ये कुछ इस तरफ का हो गया है, मतलब मेरे पास लीव्स की कमी पड़ गई है, ठीक है, तो मैं और थोड़े बहुत लीव्स लेके आता हूँ, मेरे को शीयर्स भी लेके आने पड़ेंगे। तो ओके गाइस, मेरे पास लीव्स की कमी हो गई थी, मैं लीव्स लेके आ चुका हूँ, ठीक है, तो अभी मुझे इस लीव्स को लगाना होगा। हाँ, ये वही सेम लीव्स है, मुझे थोड़ा सा शक भी हो रहा था, और हाँ मैंने इसको थोड़ा सा लेवल, ओ तेरी ये क्या हो गया मेरे पास, अच्छा ये एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसे इधर रख देते, कहीं भी रख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और उसके बाद सॉरी, इसको लेना है, और ये नहीं, ऐसे नहीं, ये भी गलत जगह पे है, मेरे को कैसे लगाना था, एनीवेज मैं कैसे भी लगा देता हूँ, ये इधर लगेगा, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इस फ्लावर्स को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, यार फ्लावर्स बड़े जल्दी से टूट रहे हैं यार, वो तेरी, इन्हें भी तो शीयर्स से तोड़ना पड़ता है जब ही, एक्चुअली ना उसका शेप बहुत बेकार चल रहा है, मुझे पता है। मुझे इधर से ये थोड़ा इधर लगाना है, इससे बाद इधर लगाना है। ओके देन, यार एक सेकंड, मेरे को ना ये हार्ट वाला जो शेप है, इस हार्ट वाले शेप को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ठीक है, ये थोड़ा रेड फ्लावर बड़ा गड़बड़ कर दे रहा है। एक सेकंड, इधर लगा दो, फिर इधर लगा दो, फिर इधर लगा दो, सेम इसके साथ भी, अपने पास रेड फ्लावर्स तो खैर बहुत सारे हैं। हाँ, तो अब एकदम सही लग रहा है, तो हमने लास्ट वाले में ये तोड़ दो, ये किसके लिए चाहिए, ये भी तोड़ दो, मेरे को इसमें ये कुछ एक सेकंड, हाँ मेरे को इधर लगाना है, ठीक है। ओके, ये क्या लग गया, अच्छा ये इधर एक्स्ट्रा लग गया, भाई मेरे पास सिर्फ 5 ही लगता है, फिर से जाना पड़ेगा मुझे। एक सेकंड, मैंने अभी कौन सा लगा दिया भाई, यार ये थोड़ी लगा, थैंक गॉड मैंने ये लगाया था, क्योंकि अब भाई वो तो मेरा किसी काम का नहीं है, मेरे को तो मेनली ऐसे वाले लीव्स चाहिए, तो ठीक है एकदम शेप तो। ओ हाँ, ओहो वही मैं सोचूं कि गड़बड़ क्यों कर रहा है। ओहो एप्पल भी मिल गए, नाइस, 1 2 3 4, लगता है मुझे फिर से जाना पड़ेगा, सही में। ओहो फिर से गड़बड़ हो गई क्या,
ऑब्वियसली नहीं, गड़बड़ नहीं। ये कौन खा रहा है, क्या खा रहा है? नहीं, कोई नहीं खा रहा। अरे यार ये क्या हो रहा है, मेरे पास सिर्फ 5 ही बचे हैं। एनीवेज इसके डिज़ाइन सही है मेरे ख्याल से तो। अब भाई मेरा उस साइड का भी करना है तो मुझे थोड़े से और लीव्स लाने पड़ेंगे। भाई क्या बात है, मतलब मेरे को एक शेयर भी क्रिएट करना पड़ेगा। ये तो खैर 3 हो गए हैं, ठीक है। अब मेरे पास बस 3 बचे हैं और 3 में मेरे को इसे कंप्लीट करना है। इसको ना मैं एक ही कर लेता हूँ। ओहो, एक काम करता हूँ, इस वाले साइड के लिए मैं एक ही कर लेता हूँ। नहीं यार, मेरे को 2 ही करना पड़ेगा, मतलब फिर से मेरे को फ्लावर्स का झोल झाल करना पड़ेगा, ठीक है। खैर मेरे पास इतने फ्लावर्स हैं नहीं, इसके वाले थोड़े बहुत ही हैं, लेकिन हाँ मैं एडजस्ट कर लूँगा थोड़ा बहुत। मुझे इसमें डबल करना है तो मुझे इधर से ये, हाँ ये है, मेरे को इधर लगना पड़ेगा फिर। अरे यार इधर लग रहा, हाँ अब ठीक है, एकदम ओपी, अब ठीक है। अब मुझे इस साइड से और इस साइड से करना है तो मुझे थोड़े से और लीव्स लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो ओके गाइस, जैसा कि आप इधर देख पा रहे हो, अपना कितना मस्त वाला फ्लावर गार्डन प्लस वाटर फाउंटेन बन चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अभी मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। और चैनल में नया तो सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और इसी के साथ मेरा शॉवल ख़त्म हो गया, मेरा काम भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो और कमेंट में जाके जरूर बताना कि अगर आप मेरे जगह पे होते तो कैसे बनाते। हाँ मैंने इसमें एक और डिज़ाइन किया कि ये एक ब्लॉक छोड़ा और इसमें ये एक ब्लॉक छोड़ा और उसमें एक ये एक ब्लॉक छोड़ा, तो ऐसे ऐसे भी किया है। तो गाइस आई होप आपको ये बहुत बढ़िया लगा, मेरे एक्सपेक्टेशन से तो बहुत सही है। और अभी ना मैं क्या करने जा रहा हूँ कि ये जो जगह है उधर लाइट्स भी लगाने वाला हूँ। मेरे पास लाइट्स आई हो? नहीं यार लाइट नहीं है। मेरे को अभी फ्लावर्स को बिल्कुल नहीं तोड़ना। ये मेरा लाइट्स, ये रे लाइट्स, किधर है लाइट्स? ये रहा लाइट्स। अब मुझे इस लाइट्स को जल्दी से इधर लगा देना है, ये मेरा फाइनल स्टेप है, ठीक है। मेरे ख्याल से 7 चल जाएगा, अगर नहीं चलेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम और भी बना सकते हैं। ओह ग्रेट, मेरे पास कमी हो गई तो मैं इसे बाद में आके लगा दूंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और माइनक्राफ्ट की बहुत अमेजिंग देखते रहिएगा, और हाँ बेल आइकन को प्रेस ही कर दीजिएगा ताकि आप हमारे ऐसे ही अमेजिंग माइनक्राफ्ट सीरीज़ और बहुत सारे ऐसे ही गेम प्लेस और क्राफ्टिंग सीरीज़ के बारे में अभी तक आपने बताया नहीं तो जल्दी से जाके बता दीजिएगा। और एपिसोड देखते रहिएगा ताकि आपको स्टोरी भी एकदम क्लियर होते रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।